अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुर्तजा खान और आप देख रहे हैं मुर्तजा स्टोरीज। दोस्तों, शाहीन बाग का तो आपने नाम सुना ही होगा। अब ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसने शाहीन बाग का नाम नहीं सुना हो, क्योंकि पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अब उसका नाम लिया जा रहा है। शाहीन बाग में दोस्तों 50 दिन से ज्यादा हो गए हमारी माँ बहनें जो हैं और भाई जो हैं बड़े बड़े लोग वहां पर 50 दिन से ज्यादा धरने पर बैठे और नागरिकता कानून NRC और NPR के खिलाफ कई बार उसको धरने को खत्म कराने की भी कोशिश की गई। कई लोग तो आम आदमी पार्टी के लोग भी उसमें गए और बंदूकें दिखाई हमारी माँ बहनों को और उन्हें उठने को कहा, पर हमारी माँ बहनें वहां से नहीं उठी। पर दोस्तों, आज एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है शाहीन बाग के धरने से। क्या है बड़ी खबर, मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, CAA NRC और NPR का अगर आप विरोध करते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर दिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दी, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, आज फिर से शाहीन बाग के धरने को बदनाम करने की कोशिश की गई। अब की बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश नहीं की गई, अब की बार की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वो कोशिश है दोस्तों, मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं, फोटो देखिए। ये लड़की जिसका नाम है गुंजा कपूर, शायद आप इसे टीवी डिबेट में भी देखते होंगे। इनकी विचारधारा गोडसे की विचारधारा है, RSS की विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। आज ये बुर्का पहनकर गई शाहीन बाग में और वहां पर नारे लगाने लगी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पर हमारी जो जाबाज वहां पर मां बहने बैठी है, उन्होंने इसे पकड़ लिया और वहां पर पुलिस को उन्होंने कॉल कर दिया और पुलिस के हाथ में इसे दे दिया। पर दोस्तों, ये देखिए, ये गुंजा कपूर बुर्का पहनकर गई और वहां पर इसे पहचान ना सके, इसे समझे कि मुसलमान ही है कोई और वहां पर पाकिस्तान के नारे लगा रही है। पर हमारी मां बहनों ने इसे समझा और इसे पकड़ के डांट लिया, इसे पकड़ के बिठा लिया आराम से और पुलिस को कॉल किया और पुलिस के हाथ में इसे दे दिया। जैसे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी चाह रहे हैं कि उनको नुकसान ना हो शाहीन बाग से, इस धरने से आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है तो वो उसे खत्म कराना चाह रही है और भारतीय जनता पार्टी से कुछ खराब करके उसका फायदा उठाना चाह रही है धरने को। पर कांग्रेस पार्टी ही एक है जो मुसलमानों के बारे में बोल रही है और इस धरने के साथ खड़ी है। पर आज जो धरने को खत्म कराने की कोशिश की गई, बदनाम करने की कोशिश की गई, पर वो नाकाम रही। चलिए दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं। शाहीन बाग में जो बुर्का पहनकर गुंजा कपूर पहुंची, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामुअलैकुम।